स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल वॉरियर पे। आज हम सीखने वाले हैं IPSC नेमिंग। IPSC नेमिंग कैसे की जाती है, बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही आराम से आ जाएगा। क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे रूट, इसका प्रीफिक्स सेकेंडरी, उसके बाद प्रीफिक्स प्राइमरी, फिर वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी प्लस सफिक्स सेकेंडरी। कैसे होगा, प्रीफिक्स प्राइमरी, ठीक है, प्रीफिक्स सेकेंडरी के अंदर ब्रांच का नाम, प्रीफिक्स प्राइमरी स्ट्रक्चर दिया होगा, अगर ऐसा दिया होगा तो साइक्लो, इस तरह का दिया होगा तो स्पायरो, और इस तरह दिया गया होगा तो बाईसाइक्लो। फिर वर्ड रूट पे आते हैं, वर्ड रूट पे एक कार्बन की चेन तो एथ, दो कार्बन की चेन मैथ, तीन कार्बन प्रोप, चार कार्बन ब्यूट, पांच कार्बन पेंट, छः कार्बन हैक्स, सात कार्बन हैप्ट, ऑक्ट नॉन डेक। उसके बाद आते हैं सफिक्स प्राइमरी में, इसमें क्या होगा, अगर सिंगल कार्बन की चेन है, दो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज़ किया जाएगा, दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड तो ईन, दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड तो आयन। उसके बाद आते हैं सफिक्स सेकेंडरी, सफिक्स सेकेंडरी के में अंदर आता है फंक्शनल ग्रुप, अब फंक्शनल ग्रुप के अंदर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत सारे एल्कोहल, कीटोन, जिनके बारे में हम एक के बाद एक बात करने वाले हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, कैसे इसका IPSC नामकरण किया जाता है। चलिए ओके, तो देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह से लिखा जाता है, सी डबल बॉन्ड ओ, फिर बॉन्ड लगा के OH या फिर COOH। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, तो इसके लिए रूल है कुछ सफिक्स, सफिक्स में क्या होगा, ओइक, ओइक एसिड लगेगा कब, जब कार्बन की गिनती की गई हो, जब कार्बन की गिनती की गई हो। अभी आपको एग्जांपल मिलेगा तो और अच्छे से समझ जाएंगे, तो लगाएंगे ओइक एसिड, और सफिक्स में ही जब कार्बन की गिनती ना की गई हो, सफिक्स में ही जब कार्बन की गिनती ना की गई हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड, जब कार्बन की गिनती ना की गई हो, जब कार्बन की गिनती ना की गई हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब की गई हो तो ओइक एसिड। चलते हैं एग्जांपल की ओर, पढ़ते हैं आगे, एग्जांपल देखते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल सब लेते हैं, कुछ क्या लेते हैं, CH3 CH2 CH2 उसके बाद COOH। इसमें कार्बन की गिनती की जाएगी, कैसे गिनती करेंगे, 1 2 3 4, चार नंबर पे क्या आता है, एथ मेथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट हो गया, तो ब्यूट इसकी IPSC नेम, ब्यूट और सारे सिंगल बॉन्ड इसलिए एन ब्यूटेन, और एक नंबर पे क्या है, ओइक एसिड, तो वन ओइक एसिड। इसको दूसरी तरह से भी एक तरह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड, इसको ब्यूटेनोइक चाहिए लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों सही है। अब आगे लेते हैं इस तरह के, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कैसे होगा, CH2 इसको जोड़ देते हैं, कैसे, COOH से, ठीक है। अब इसको कैसे IPSC नाम लिखेंगे, तो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, चार है तो ब्यूट, पहले तो ब्यूट हो जाएगा, और सारे सिंगल बॉन्ड इसलिए एन ब्यूटेन। उसके बाद एक नंबर पे, एक नंबर पे क्या लगेगा इसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाएगा, इसका IPSC नाम हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वीडियो को देखने के लिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, थैंक यू सो मच।